दोस्तों सब्सक्राइब करें ये एक्स मनाना यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अपने मोबाइल पर इस बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों सामने जो वीडियो देख रहे हैं ये है मेरे एक सब्सक्राइबर का और ये उड़ीसा से हैं और इनके पास ये मोबाइल है हुनर C7 और इस मोबाइल को अनलॉक नहीं कर पा रहा था। ये मुझे कॉल किया कि मुझे हुनर C7 को अनलॉक करना है और मेरे पास MRT डोंगल है, तो मैंने कहा कि ठीक है हो जाएगा। तो मैंने इसे कंप्यूटर को ऑनलाइन कनेक्ट किया अपने कंप्यूटर से और मैंने इस मोबाइल का FRP अनलॉक करके दिया इन्हें, ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं ऑनलाइन हूँ इनके कंप्यूटर पर, आप यहाँ पे देख सकते हैं अल्ट्रा व्यूअर सॉफ्टवेयर के जरिए से मैं इसके कंप्यूटर से ऑनलाइन हूँ। तो दोस्तों हुनर C7 को अनलॉक करने के लिए पहले मैं बता दूँ मोबाइल का बूटलोडर अनलॉक करना होगा, तो उससे पहले आप डिवाइस मैनेजर ओपन कर लें। और डिवाइस मैनेजर ओपन हम इसलिए करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि हम मोबाइल को जो बूट करा रहे हैं उसका कोई ड्राइवर मिसिंग तो नहीं है, ठीक है। तो हुनर C7 हवाई का मोबाइल अनलॉक करने के लिए FRP आपको हवाई का जो है मोबाइल का USB ड्राइवर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होनी चाहिए प्रॉपरली, तभी यह काम करेगा, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हुनर C7 मोबाइल का FRP अनलॉक करने के लिए पहले आपको इसका बूटलोडर अनलॉक करना होगा। तो पहले आप फास्ट बूट में लगा के FRP अनलॉक कर सकते हैं। अगर बूटलोडर अगर लॉक रहेगा मोबाइल का तो ऑटोमेटिक लिख देगा कि बूटलोडर लॉक है और FRP अनलॉक नहीं होगा, तो ऐसे में आप जो है बूटलोडर अनलॉक कर सकते हैं। अब बूटलोडर अनलॉक कैसे करते हैं, इसके पहले मैंने जो है एक वीडियो बनाया था हवाई मोबाइल का, आप उस वीडियो को अगर देखे हैं तो आप जानते होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो आप को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी उस वीडियो की, आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि मैन्युफैक्चर मोड में लगा के किस तरह से मोबाइल का जो है मतलब बूटलोडर अनलॉक किया जाता है। तो आपको मोबाइल को मैन्युफैक्चर मोड में लगाना है, तो मैंने इन्हें बताया ठीक है, तो इन्होंने मैन्युफैक्चर मोड में लाया है मोबाइल को, USB पोर्ट सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर देख रहे हैं डिवाइस मेरे में यहाँ पे मॉडम शो कर रहा है, ठीक है। तो ये मॉडम शो करना चाहिए आपके कंप्यूटर में, तभी आप बूटलोडर अनलॉक कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको मैन्युफैक्चर मोड में आपको मोबाइल को बूट कराना होगा, इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था उस वीडियो में मैंने बताया था, ठीक है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। उसके बाद जब आप मैन्युफैक्चर मोड में आप मोबाइल को लगाएंगे, उसके बाद आपको डायरेक्ट यहाँ पे बूटलोडर पे चेक लगा के ऑटोमेटिकली जो है आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक देना है, ऑटोमेटिकली आपका मोबाइल बूट करेगा और आपके मोबाइल का बूटलोडर जो है उसे अनलॉक कर देगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं इस मोबाइल का बूटलोडर अनलॉक हो चुका है। तो दोस्तों आप वीडियो के साथ बने रहिए, क्योंकि इसमें जो है कई लोग क्या होता है कि बूटलोडर अनलॉक करने के बाद तुरंत FRP रीसेट करता है और नहीं होता है, एरर देता है, तो परेशान हो जाता है कि भाई मेरा मोबाइल का FRP रीसेट नहीं हो रहा है, बूटलोडर अनलॉक हो चुका है लेकिन FRP रीसेट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वीडियो में और स्टेप बाय स्टेप आपको बारी बारी से मैं आपको बता रहा हूँ और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आए तो आप किस तरह से फिर उसे अनलॉक कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे ऑटो पोर्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऑटो पोर्ट मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद हमें जो इसका जो है FRP रीसेट करना है, ठीक है। तो हमें करना क्या है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर में लिख रहा है एंड्रॉइड ADB इंटरफेस, ठीक है। ये एंड्रॉइड ADB इंटरफेस यहाँ पे आपको सिंगल जो है ADB दिखा रहा है, ठीक है। ये पोर्ट, तो ये पोर्ट आपका शो करना चाहिए, ये पोर्ट तब शो करेगा जब आप मोबाइल को फास्ट बूट में लगाएंगे, ठीक है। तो मैन्युफैक्चर मोड अलग होता है और फास्ट बूट मोड अलग होता है, ठीक है। मैन्युफैक्चर मोड होता है बूटलोडर अनलॉक करने के लिए और फास्ट बूट होता है FRP रीसेट करने के लिए। तो मोबाइल को फास्ट बूट में इन्होंने फिर दोबारा लगा दिया है मेरे कहने पर, और उसके बाद यहाँ पे FRP अनलॉक पे चेक लगा हुआ है, स्टार्ट बटन पे मैंने क्लिक दिया, ठीक है। उसके बाद ये मोबाइल को बूट करना चाहिए था यहाँ पे और इसका FRP रीसेट होना चाहिए था। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि मोबाइल बूट नहीं कर रहा है, क्योंकि इस टूल से मैंने अभी जो है इसका बूटलोडर अनलॉक किया और दोबारा जब मैं इसका FRP रीसेट कर रहा हूँ तो ये अनलॉक नहीं हो रहा था। ऐसे में क्या करना है, हमें इस टूल को क्लोज कर देना है, ठीक है। टूल को हमें क्लोज कर देना है, फिर से दोबारा से हमें जो यहाँ पे SW टूल्स को फिर से ओपन करना है, हवाई टूल को फिर से ओपन करना है, तब ये काम करेगा, ठीक है। अगर आपका काम नहीं करता तो आप दोबारा टूल को ओपन कर सकते हैं क्लोज करके, दोबारा टूल को जब ओपन करेंगे तो ये काम करेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये ऑटो है, ऑटोमेटिकली मुझे यहाँ पे सिर्फ FRP पे चेक लगाना है, उसके बाद मोबाइल को फास्ट बूट में लगाना है, ठीक है। फास्ट बूट कैसे लगाया जाता है, वॉल्यूम माइनस और पावर की दबाएंगे तो मोबाइल फास्ट बूट में आ जाएगा, आप कंप्यूटर में लगा देना है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ देखते हैं मैंने स्टार्ट पे क्लिक किया, उसके बाद ये मोबाइल बूट कर चुका है और इसका मोबाइल का जो FRP यहाँ से भी कुछ देर में रिसेट हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि हवाई मोबाइल का FRP किस तरह से अनलॉक करते हैं, बूटलोडर किस तरह से अनलॉक करते हैं, किस तरह से FRP रिसेट करते हैं, ठीक है। तो बूटलोडर अनलॉक आप जो है मैन्युफैक्चर मोड में और USB पोर्ट सेलेक्ट करके कर सकते हैं और FRP रिसेट जो है आप फास्ट बूट में कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मैन्युफैक्चर मोड फिर से अगर समझ में नहीं आया, फिर भी समझ में नहीं आया, तो मैंने एक वीडियो पहले डाला था उसमें मैन्युफैक्चर मोड कैसे लाया था, उस वीडियो में मैंने बताया था। तो उस वीडियो को अगर आप नहीं देखे तो आप देख सकते हैं वीडियो के, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी, ठीक है। आप उस वीडियो को देख करके मैन्युफैक्चर मोड में लगा करके मोबाइल को अनलॉक कर सकते हैं, बूटलोडर अनलॉक कर सकते हैं। और FRP रीसेट कोई भी हवाई मोबाइल का फास्ट बूट में ही होगा, ठीक है। तो फास्ट बूट में आप FRP रीसेट कर सकते हैं, या मेडिकल में अगर आप करते हैं तो मेडिकल में हवाई टूल में ही FRP जो अनलॉक होगा हवाई मोबाइल का, ठीक है।
वो भी फास्ट फूड में ही, ठीक है। तो MRT में भी फास्ट फूड में अनलॉक होगा और मेडिकल में भी, हवाई टूल में आपका फास्ट फूड में ही अनलॉक होगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।